दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के आंकड़े रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब कोरोना वायरस के 59,000 से भी ज्यादा मामलों के साथ दिल्ली तमिलनाडु से आगे निकल गई है। साथ ही वह इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे नंबर पर आ गई है। अधिकारियों के मुताबिक अगर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो दिल्ली कोरोना वायरस के मामले में मुंबई से भी आगे निकल जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। राज्य में कुल 1,32,075 मामले हैं। अब तक कोरोना से 6,170 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में इस महामारी के मामले 59,377 हैं। वह देश में सर्वाधिक प्रभावित तीसरा राज्य है। दूसरे नंबर पर दिल्ली आ चुका है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 757 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में कोरोना वायरस के 21 जून तक 66,488 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड 19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली अगले कुछ दिनों में मुंबई को पार कर सकती है। लद्दाख में चीन के धोखे के बाद अब भारत उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पैंगोंगशो झील से लेकर गलवान घाटी तक भारत के वीर चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डाले हुए हैं। इन सब के बीच भारत ने चीन से लगती 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित जवानों की तैनाती कर दी है। ये जवान ड्रैगन सेना की पश्चिम, मध्य या पूर्व सेक्टर में किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना को चीनी सेना की सीमा उल्लंघन की किसी भी हरकत का करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। ऐसा समझा जाता है कि भारत के इन विशेषज्ञ जवानों के पीछे दशकों में उत्तरी फ्रंट पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। चीनी सेना जहां सड़क के रास्ते सैन्य साजो सामान सीमा पर ला रही है, वहीं भारतीय माउंटेन जवानों का दस्ता ऊंचाई वाले इलाके में गुरिल्ला युद्ध के लिए ट्रेंड होते हैं, जैसा कि हम कारगिल के युद्ध में देख चुके हैं। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों से पार्टी के काडर तक असहज दिख रहे हैं। चीन से तनाव पर सियासत के कारण पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि चीन को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं उससे पार्टी की ही किरकिरी हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य कार्यकर्ता होते हुए भी राहुल गांधी पार्टी का उतना ही नुकसान कर रहे हैं जितना उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि गलवान घाटी में भारत के 20 जवानों की शहादत के बाद इस समय देश की जनता में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है। ऐसे में राहुल के PM नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाले ट्वीट और बयान से पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा और बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद और लद्दाख में तनाव को लेकर लगातार केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में 23 जून को होने वाली रथ यात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कोरोना वायरस को देखते हुए पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनके फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान कोर्ट ने सशर्त रथ यात्रा की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रथ यात्रा की इजाजत दी जानी चाहिए और वहां कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोगों की सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पूरे उड़ीसा में नहीं बल्कि पुरी में रथ यात्रा की इजाजत दी जाए। उड़ीसा सरकार के वकील हरीश सालवे ने इस दौरान कहा कि रथ यात्रा पूरे राज्य में नहीं होगी, वहां कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और सिर्फ सेवादार और पुजारी रथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे जिनके रिपोर्ट नेगेटिव है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ पुरी के मामले की बात कर रहे हैं।